टमाटर और ये जो मैंने पालक और मूली के पत्ते जो मैंने काट के रखे हैं इसे मैं इस तरीके से ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुजम्मिल बताओ। मुजम्मिल ने ये वीआर लगाए हुए देखो। मैं बहुत अच्छा मून को केक करता। किसको देख रहे थे? मून को केक करता। मैं इधर मुजम्मिल इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? सब कुछ मून नजर आ रहा है, उसका नाम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और ये ईलू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं इसे आज क्या है, इसको लगी हुई है गर्मी। तो चलो इसको मैं देखती हूँ, थोड़ा दूध वगैरह देती हूँ, फिर देखते हैं आगे। मुजम्मिल ने यहाँ पर वीआर फिर पहन लिया। मुजम्मिल क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मुजम्मिल आपको क्या नज़र आ रहा है? मून नजर आ रहा है। आप कहाँ चले गए? स्काई पे? माशाल्लाह से। मुझे भी ले जाओ अपने साथ। अच्छा वीआर लगाऊंगी तब जाऊंगी। चलो जी, मम्मो को भी ले जाओ। मम्मो यहाँ पे अकेले क्या करेगी? अच्छा मैं आपके साथ ही हूँ, सही है। पकड़ो मुजम्मिल को, पकड़ो पकड़ो मुजम्मिल, चला ना जाए। मुजम्मिल फेरी नज़र आ रही है कि नहीं? नहीं, फेरी नहीं है। अच्छा लेकिन अपना प्लेनेट भी नज़र आ रहा है। प्लेनेट? बेटा अपना प्लेनेट भी नज़र आ रहा है। अच्छा प्लेनेट नज़र आ रहा है, उसमें क्या नज़र आ रहा है? प्लेनेट में क्या क्या हो रहा है? हाँ यहाँ पर एक सुपाहू भी है, हमारा प्लेनेट है। अच्छा मुजम्मिल अल्लाह ताला से दुआ करो, बोलो अल्लाह ताला हमारे प्लेनेट को अल्लाह ताला बचाओ, अल्लाह ताला खैर करो, अल्लाह ताला हमारी दुनिया को बचाओ, ऐसी दुआएं मांगो। शाबाश मुजम्मिल, अल्लाह ताला को बोलो। देखो प्लेनेट में सैलाब आया है? नहीं। क्या आया है? कुछ भी नहीं आया। आपको वाह 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 नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको बिल्कुल सही सही नज़र आ रहा है। अच्छा अपनी आंखें ख़राब कर रहे हो ना, देखो आईज़ ख़राब हो रही हैं। बस अभी उतार दो के, हाँ इसको उतार दो, आईज़ ख़राब हो जाएंगी। और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं भी, अपने मुल्क के लिए भी मांगना, अपनी पूरी दुनिया के लिए मांगना, सही है? अपने लिए भी मांगना, मेरे लिए भी मांगना। मेरे लिए दुआ मांगोगे मुजम्मिल? क्या दुआ मांगोगे अल्लाह ताला से, क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज व अमान में रख, अल्लाह हमें नेक बना, बनाओ बोलो मुजम्मिल, या अल्लाह हमें नेक बनाओ, लायक बनाओ, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता कर, आमीन। यहाँ पे थोड़े से मेरे बर्तन हैं, बर्तनों को धोती हूँ, ये देखो सारी जगह गीली हो गई है, इसको थोड़ा सा साफ करती हूँ, फिर देखते हैं कि बाकी का क्या है। तो मैंने गोश्त रखा है बिल्ली के लिए, इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन, और अंदर मैंने हल्दी डाल ली है, और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह डालती हूँ। तो फिर गोश्त गोश्त सिर्फ उसको देती हूँ, वो यखनी तो खैर नहीं पीती है, लेकिन इसके लिए मैं बिल्ली के लिए इस तरीके से गोश्त उबाल के रख लेती हूँ, एक दो दिन आराम से चल जाता है। चलो इसको रखते हैं ढक के, ये उबल जाएगा, फिर ठंडा भी करना होगा। अभी तो उसने खैर खा लिया है, अभी बाद में देख। हाँ ये हो गया है, जाम शीरी भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये मुझे ज़रूर चाहिए होती है। जाके देखती हूँ कैसे मंगवाती हूँ, क्योंकि ये मुजम्मिल के लिए, इसके बग़ैर वो दूध नहीं पीता, और या जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा जो भी हो, कोई फ़्लेवर उसके अंदर हो तो तब वो दूध पीता है, वरना वैसे सादा दूध नहीं पीता। तो जाके ये मंगवाती हूँ, क्योंकि अब ये हो गया है ख़त्म। तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, पानी पी पी के भी प्यास नहीं बुझती, पीते हैं पानी।
ये देखो मुजम्मिल का वीआर यहाँ पर है। मुजम्मिल कहाँ चला गया, वीआर यहीं पर छोड़ दिया इसने। मुजम्मिल यहाँ पे है ये बिल्ली, और देखे इसके आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये बिल्ली क्या करती है। ये देखो इसे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ना। आइए देखो मुजम्मिल ने अपना वीआर लेकर आ गए और मोबाइल पे फिर कुछ लगा रहा है। अच्छा देखें तो ये बिल्ली को देखो मैं इस तरीके से करूँगी ना कि इसको मैं बुलाऊँगी इसके ऊपर, ये कैसे जंप लगाएगी। और ये देखो फिर सो गई, इतनी सुस्त हो गई। ईलू ईलू ईलू, इसको इतनी नींद आती है, इसको मैं सोने नहीं दूंगी। देखने ये माउस, ईलू का माउस, ये देखो ये क्या है, ये देखो 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 देखो, ईलू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम। वो बेचारी दोनों में वो है कि मुजम्मिल की तरफ जाऊं या यहाँ पे जाऊं। इसके ऊपर इतने जब ये अपने मूड में आती है फिर इतने अच्छे से यहाँ पे ऊपर से ऊपर चढ़ती है और ऊपर से छलांग लगाती है। अभी इसका मूड ऑफ है, नीचे बैठी हुई। आ जाओ ईलू ईलू, कम कम कम, इधर देखो ना, वो मुजम्मिल की तरफ देख रही है कि मुजम्मिल ने लगाया हुआ है मोबाइल। ये उससे ज़्यादा शाबाश शाबाश, ईलू ईलू ईलू, इधर देखो दोनों तरफ इसका जेन जा रहा है और बहुत अच्छा यहाँ से जंप लगाती है पारश। देखें इसके साथ खूब खेलती है, जब मूड पे आती है बहुत ही ज़बरदस्त। ईलू कम 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 कम, ऊपर आओ ऊपर ऊपर चढ़ो, ऊपर जाओ, जंप लगाओ, शाबाश जंप लगाओ। गर्मी है ना, गर्मी की वजह से इसका पता नहीं मुँह क्यों इस तरीके से खुला खुला सा हो रहा है और सुस्त सी हो गई है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास इसको लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि इससे क्या हो गया है, क्योंकि उस दिन भी इसको अचानक इसका गला बिल्कुल ऐसे हो गया था, गला जैसे गले के अंदर कोई चीज़ फंस गई हो। वरने से मैं सिर्फ उबला वो गोश्त देती हूँ, गोश्त में से भी हड्डियाँ निकाल के देती हूँ। ये देखो देखो ईलू, इधर इधर, बहुत अच्छा। कभी मूड हो इसका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर खेलती है ईलू। ईलू भी अभी हमारे घर का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि छोटी सी थी ना, बिल्कुल छोटा सा था जब मैं ये लेकर आई थी। माशाल्लाह इसकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं, कोई किसी चीज़ में भी एक्स्ट्रा चीज़ में मुंह वगैरह नहीं मारती है, बस अपना ही खाना खाती है और बस। हाँ मुजम्मिल के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। तो ये तो यहाँ पर खेल रहे हैं, चले देखते हैं। यहाँ पर ये देखे मुजम्मिल ने सारे खिलौने फैलाए हुए हैं। ये क्या कर रहे हो मोहम्मद मुजम्मिल, ये क्या कर रहे हो बताओ। अगर मैं यहाँ पे आपकी रूम की हालत दिखाऊं कि मुजम्मिल ने कितने खिलौने हर तरफ फैलाए हुए हैं, देखें यहाँ 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 यहाँ, देखें यहाँ तक, यहाँ देखें, ये लैपटॉप इधर ही रख दिया मुजम्मिल ने। और ये मुजम्मिल ने क्या बनाया है, देखो यमी यमी दिखा मुझे, इसकी तरह ये इसकी तरह बड़ा नहीं होगा ये, क्योंकि क्ले आपके पास थोड़ा छोटा है ना, ये देखो कम है ना आपके पास, इसलिए इसे आप ज्यादा क्ले लोगे ना तब इतना बड़ा होगा। इसको और है आपके पास क्ले, हाँ इसमें और मिलाओ सारा क्ले, इतना मोटा करके ना फिर डालोगे तो फिर इतना बड़ा होगा। इसको और इसमें ऐड करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सही है। हाँ अब इसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे गोल गोल करो, चलो इसको ये इसमें रखो और अभी इसको दबाओ। और ये देखो ये कितना अच्छा है, इसके अंदर भी क्ले डालते हैं और ये मुजम्मिल के ये हैं क्ले, मुजम्मिल के हैं क्ले, ये भी इसको गिफ्ट मिला था। और इसकी हालत क्या कर दी इसने, इसमें क्या कर रहे हैं, इधर मुजम्मिल ये इस तरह यूज़ होते हैं। अभी इसको देखते हैं इसके अंदर क्ले डालते हैं, डालो मैं देखूं कैसे होता है। इसको रखते हैं साइड पे, इसके अंदर यहाँ पे लगेगा, इसी डिज़ाइन से क्ले निकलेगा। सबर मैं करती हूँ सबर। ये तो आपने इसको मिक्स किया हुआ है, ये क्ले ये कलर डालोगे या दूसरा, ये ग्रीन डाल लो ये वाला। हाँ मोहम्मद मुजम्मिल ये ग्रीन वाला डालें, कौन सा वाला कलर डालोगे। अच्छा इसको रखते हैं यहाँ पे, येलो वाला डालूं, चलो ये येलो वाला। ये देखो एक कलर ये वाला है स्टिक और एक ये कलर है, तो अभी इसको लगाते हैं। कौन सा स्टार वाला करते हैं इसमें, ये देखो स्टार वाला हमने कर दिया। अभी इसको करते हैं इसमें क्ले, यहाँ से डलेगा
ट्राई करते हैं। ये हमने ले लिया है क्ले, अभी इसमें ये डालते हैं। कैसे डलेगा इस तरीके से, मुजम्मिल इसको करूँ, कैसे डलेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, कैसे, इसको तो मुझे सही तरीके नहीं, ऐसे। अभी इसको दबाते हैं, यहाँ से निकला कि नहीं देखते हैं कि कैसे निकलता है। थोड़ा सा, ओए थोड़ा सा तो निकला है, अभी देखते हैं कैसे निकलता है। ये निकल रहा है, निकल रहा है, निकल गया। ये इसके साथ है एक सिरिंज, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर डालते हैं ये येलो वाला, देखते हैं कि ये क्या होता है, इससे क्या निकलते हैं। मुजम्मिल, ये नूडल्स निकलेंगे, नूडल्स फिर इसमें डालते हैं, सही है। अभी देखते हैं इसके नूडल्स निकलते हैं, थोड़े थोड़े के नहीं निकलते हैं, ये देखो, वाह यम्मी नूडल्स निकले हैं ना, ये सारे अभी इसमें डालते हैं। यहाँ पर ये देखो कितना अच्छे से ये बन गए, मुजम्मिल का आइसक्रीम, नूडल्स, और ये क्या बनाया है, ये कुकीज है या पिज़्ज़ा है, ये क्या बनाया है। चलो अभी मैं मुजम्मिल जाती हूँ, काफ़ी मैं मुजम्मिल के साथ आज खेली हूँ, माशाल्लाह से आधी से ज़्यादा वीडियो मेरे और मुजम्मिल के खेलने की है, क्योंकि या तो खेलने की वीडियो में डालती और या फिर बाकी काम की। तो चलो अभी मैं जाती हूँ खाना बनाती, यहाँ पर ये देखिए मिक्स सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने ये थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, और ये है बंद गोभी, और ये है साथ में कद्दू, और ये है टमाटर। तो चले करते हैं स्टार्ट, मिक्स सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर मैंने प्याज को रख दिया है ब्राउन होने के लिए, हल्का सा ब्राउन होगा, ज़्यादा ब्राउन मैं इसे नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा ब्राउन हुए प्याज अच्छे नहीं लगते। जिस तरीके से कढ़ाई में या कोरमा वगैरह में जिस तरह हम ब्राउन करते हैं, तो उस तरह नहीं ब्राउन करूँगी, बिल्कुल हल्का सा इसे ब्राउन करूँगी, और फिर इसमें मज़ीद जो भी डालूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ले ली है छुरी और करते हैं इसको कट, चलो देखते हैं फिर उसके बाद। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये भी कट हो गए हैं सारे, पालक और मूली के पत्ते भी मैंने काट लिए हैं, इस तरीके से मैंने टमाटर को काटा है, और ये मैंने काट लिया है इसको कद्दू, कद्दू को पहले मैं डालूँगी क्योंकि कद्दू थोड़ी देर से बनते हैं, फिर उसके ऊपर डालूँगी ये बंद गोभी, और उसके बाद ये डालूँगी तुरई, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, जल्दी पक जाती है, तो ये अपने ही जूस के अंदर बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी, इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी सा होता है। तो चले करते हैं स्टार्ट, मुजम्मिल खेल रहा है, मुजम्मिल अपने अपनी गाड़ी चला रहा है, हो रहा है शोर, चलो करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्याज देखिए इतना ही मैं ब्राउन करूँगी, ज़्यादा प्याज़ों को ब्राउन नहीं, इतना प्याज मुझे ब्राउन चाहिए, और इसमें मैं पहले डालूँगी ये कद्दू, कद्दू मैंने डाल लिया है, और इसे थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा भूनूंगी, और फिर इसके बाद बाकी के जो भी ऐड करूंगी। अभी इसमें मैं डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बंद गोभी, जैसे ही बंद गोभी भी हल्का सा भून ले लूंगी, तो फिर उसके बाद मैं डालूंगी ये टमाटर, और ये जो मैंने पालक और मूली के पत्ते जो मैंने काट के रखे हैं, इसे मैं इस तरीके से ऐड कर लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ मैंने ये लिए हैं थोड़ा सा हल्दी, कलवंजी, ज़ीरा, और हल्का सा हसब ज़ायका नमक, और साथ ही दालचीनी, तो बस इसे मैं ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, ये अपने ही जूस में सब्ज़ी के अपने पानी में ही ये बनेगी, और बहुत ही यमी सी सब्ज़ी मेरी मिक्स वाली बनने वाली है इंशाल्लाह। अभी बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने खाना खा लिया है, ये चटनी बहुत ही मज़ेदार थी,
दिल ही नहीं भर रहा था। ये मछली के साथ लाए थे मेरे हस्बैंड, बहुत ही यमी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब से चाहेंगे ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।